कहते हैं ना, एक बेटे की सफलता से बढ़कर पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता। और अगर बेटा किसी बात का वादा कर उसे निभा दे तो एक पिता के लिए ये खुशी की बात होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पाकिस्तान की सीमा से सटे बिंजासर गांव के मोहन सिंह ने, जिसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर के छोटे से गांव बिंजासर के रहने वाले चतर सिंह के लिए इन दिनों हवा में उड़ने के दिन है। वो भी क्यों ना, उनके बेटे मोहन सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। मोहन ने अपने पिता से वादा किया था कि वह अपने तन पर देश की रक्षा की वर्दी पहनेगा और सेना में जाएगा। चार असफल प्रयासों के बाद आखिरकार उसका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया है। मोहन सिंह देश की सेवा के लिए फौज में जाने वाले गांव के पहले युवा हैं। उसके पिता बिंजासर में खेती बाड़ी करते हैं। मोहन इससे पहले वन रक्षक कॉन्स्टेबल 5.5 GD आर्मी भर्ती जोधपुर में असफल हो चुके हैं। अजमेर में आयोजित भर्ती में उन्होंने यह सफलता पाई है। मैंने सबसे पहले स्टडी गांव में की थी दसवीं तक, उसके बाद यहां बाड़मेर में की 12th में, उसके बाद यही आर्मी का जोश जुनून था उस हिसाब से तैयारी की। एक दो अटेंड फेल हो गए थे, उसके बाद तैयारी जारी रखी। और फिजिकल के लिए यहाँ पर हमारा ग्रुप था, उसमें फिजिकल करते थे। बाकी पढ़ाई के लिए हमारी एक नॉन डिफेंस एकेडमी है, उसमें सर गेवर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी पढ़ाई की और यह आज मुकाम हासिल किया है। बाकी गांव में परिस्थिति तो शिक्षा की बहुत विपरीत है। वहाँ की परिस्थिति देखी जाए तो वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में बॉर्डर इलाके में बहुत कमी है उसको देखा जाए। बाकी परिवार स्थिति भी कमजोरी थी और मेरे पिताजी कृषि का काम करते हैं। बाकी सब उनका यही था कि बस आप पढ़ाई करो और हमारे द्वारा जितना होगा मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर वहाँ कोई गाइडलाइन करने की, मतलब गाइडलाइन में बहुत कमी थी और वहाँ के लोग बहुत ऐसे जाने में तो बहुत जागरूक है, लेकिन वहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में कमजोरी, इसलिए वहाँ यहाँ शहर तक आ नहीं पा रहे हैं। और कई वहाँ के जो घर परिवार वाले हैं उनकी परिस्थिति ऐसी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है।